नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल शनिवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 867 करोड़ रुपए के कामों को शुभारंभ किया। इसके साथ केजरीवाल ने होशियारपुर में एपी के विकास क्रांति रैली को संबोधित किया। एपी इस रैली के जरिए होशियारपुर लोकसभा सीट को टारगेट कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट से बीजेपी के सोम प्रकाश जीते थे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले एपी ने इस रैली के जरिए होशियारपुर सीट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल ने अपनी विकास क्रांति रैली में कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने सोम प्रकाश को वोट देकर जिताया, लेकिन क्या वह कभी मिलने आए? अब चुनाव नज़दीक आते ही दोबारा पहुँच जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि सीएम रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह और स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल भी कभी होशियारपुर नहीं आए, लेकिन भगवंत मान हमेशा उनके बीच रहते हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को मेडिकल एजुकेशन हब बनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में यहाँ 5 नए मेडिकल कॉलेजों का काम शुरू हो रहा है। ये मेडिकल कॉलेज होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, मलेरकोटला और मोगा में बनेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मान सरकार पंजाब के 550 गांवों में प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी बनाएगी ताकि युवा नशे से दूर रह सकें। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।